अनिल जी बताएं कौन से स्टॉक दो स्टॉक ऑफ द डे है दीप और जैसा मैंने कहा था एक कैश मार्केट का एक फ्यूचर्स uh, का एक जो कैश मार्केट का स्टॉक है वो मैं पहली बार रिकमेंड कर रहा हूँ और वो है कैपरी ग्लोबल आज जो खबर अभी अभी हमने देखी कि कंपनी को दिसंबर दो में यानी कि पिछले महीने एक बड़ा लाइसेंस मिला है इर्डा से कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंसी के लिए जहाँ हेल्थ जनरल और मेडिकल इंश्योरेंस तीनों कंपनी बेचेगी और अगले साल 20 करोड़ की नेट फी इनकम कमाने का एक कंपनी का इरादा है अलग तरह की जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के जरिए करेगी लेकिन इस स्टॉक को पसंद करने का एक कारण और भी पहले तो मैं आपको लेवल्स दे दूँ आठ सौ तीन के स्टॉक उसके साथ खरीदा जा सकता है और टारगेट ऊपर के आठ सौ और आठ के ये एक आध दिन दो दिन के ट्रेड के लिहाज से लेकिन एक और जो अभी हाल ही में मैंने रामदेव अग्रवाल साहब का इंटरव्यू किया था उनकी वेल्थ क्रिएशन स्टडीज पे तो मैंने देखा कि पहली बार मेरे ये कंपनी तब मेरे रडार पे बहुत रार्ट्रॉगली आई कि जो टॉप टेन वेल्थ क्रिएटर्स है उनकी स्टडी में जिसमें सबसे कंसिस्टेंट पिछले पांच सालों में वेल्थ बनाने का उसमें नंबर वन पर कैपरी ग्लोबल क्या बात कर रहे हैं आप देखिए सामने इसलिए मैंने वो प्रिंट भी लाया पिछले पांच सालों में लगातार पचास परसेंट के सी से नंबर वन है नंबर टू पर वरुण बेवरेजेज है नंबर तीन पर ग्रैंडवेल नॉटन है वाओ ये पिछले पाँच साल में सबसे कंसिस्टेंट पता ही नहीं चला हो गया। आ, मिस हो गया ये एक्चुअली ये मिस हो गया और फास्टेस्ट वेल्थ बनाने के मामले में भी ये टॉप टेन में है छठे नंबर पे है सबसे आईएस फास्ट बनाने में लॉयर्ड्स मेटल का नंबर आया था 80 परसेंट की सीएजीआर से बने इन्होंने फास्ट सबसे फास्टेस्ट पचास की सी से वेल्थ बनाई तो सोचे आ, इस कम से इस मुझे लगता है कि हिसाब से अब री होने की संभावना चूंकि वेल्थ क्रिएशन स्टडीज में आने के बाद ना जो ये स्मॉल कैप से कैब में बनने वाली जो यात्रा होती ना उसमें कंपनी की रीजेटिंग होती तो हमारा आज का टारगेट तो आपके सामने है ही लेकिन कि आठ सौ तक के लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करते हैं तो एक और बारह तक के टारगेट होल्ड करना चाहिए क्योंकि वेल्यूशन रीजनेबल है ग्रोथ अपसाइड काफी आपको याद होगा साल की शुरुआत में हम मैनेजमेंट से बात कर भी करें लेकिन तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया था और उसके बाद ये रिपोर्ट मैंने देखी तो मैंने कहा कि इस स्टॉक पर फोकस करना चाहिए दूसरा है वेदांता के फ्यूचर्स आमतौर पर कम रिकमेंडेशन में आता है लेकिन आज हिमांशु जी भी रिकमेंड कर चुके हैं कंडीशनल उनकी कंडीशन बनाने का काम मैं करता हूं 270 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स के लिए वाले, 280, 268, 292 है दो सौ अस्सी दो सौ अठासी दो सौ बरानवे एस एन पी ने अपग्रेड किया है वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग को एस डी यानी कि डिफॉल्ट की रेटिंग से ट्रिपल सी प्लस अब बड़ी चीज है कि डीप फ्राइडे को ही एस ने डाउनग्रेड किया था और तीन दिन के भीतर ही वापस इन्होंने अपग्रेड कर दिया इसका मतलब क्लियर कट है कुछ ना कुछ बड़े डेवलपमेंट और खबरें ये भी आ रही कि इन्होंने अपनी फंडिंग के लिए टाइप सिटी ग्रुप और बाकी दो तीन और बड़े फंड्स के साथ कर लिए और इसी के दम पर एस की अपग्रेडिंग आई तो एक जो बड़ा खतरा लोगों को डर था ना डिफॉल्ट का ये वो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ पैसे का इंतजाम हो गया है जो दिख रहा है कल स्टॉक मजबूती के साथ भी बंद हुआ मुझे लगता है कि आज भी इन ख़बरों के दम पर थोड़ा और एक्शन में बढ़ सकता है यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय ओके okay, तो ये है आपके लिए वेदांता और केपटी ग्लोबल दोनों पर करें खरीदारी अब